हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 36 इंच कटोरी ब्लाउज का फर्मा रेडी करूंगी। तो देख सकते हैं, इसके लिए हमने ये ब्राउन पेपर लिया है, इसी पर हम एक फर्मा रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देख सकते हैं। चेस्ट इसकी 36 इंच है, लंबाई इसकी 13 इंच है और कमर इसकी 30 इंच है। इसी नाप से हम ये ब्लाउज का फर्मा रेडी करेंगे, कटोरी ब्लाउज का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 13 इंच पर इसकी लंबाई का मार्क लगा देंगे। तो दोनों साइड्स पर हम 13-13 पर मार्क लगाएंगे। तो देख सकते हैं, हमने 13-13 पर मार्क लगा लिया है। अब लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से आपको लाइन खींच लेनी है 13 इंच पर। अब इसमें आपको नीचे ऐड करना है। नीचे की साइड हम 1.75 पर निशान लगा लेंगे। दोनों साइड पर 2 में 25 कम पर निशान लगा लेंगे और लाइन खींच लेंगे। तो देख सकते हैं, हमने लाइन खींच ली है। यहाँ पर गले के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और शोल्डर के लिए 3 इंच पर। तो टोटल हमारा ये 5.5 इंच हो गया है। तो आर्म होल के लिए हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। इधर से भी 5.5 पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी आर्म होल की लाइन बन जाएगी। तो इसको नीचे तक मिला लेंगे 6 इंच पर। अब गले के लिए भी हम 6 इंच पर लंबाई लेंगे और 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे इसकी। आप चाहें तो इसको 3 इंच तक बढ़ा सकते हैं अगर आपको चौड़ा चाहिए तो। और ऊपर से सीधा मिला लेंगे तो ये हमारे गले का शेप बन जाएगा। और इसके अंदर हम गोल शेप दे देंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं, इस तरह से आपको गोल शेप लगा लेना है। अब आप फोर्थ पार्ट करेंगे। तो चेस्ट हमारी 36 की है, जिसका फोर्थ पार्ट 9 इंच आएगा। तो हमने ये 9 इंच पर निशान लगा लिया है और एक सीधी लाइन खींच ली है इस तरह से। कमर का भी आपको चौथा पार्ट निकालना है। तो कमर हमारी 30 है, तो 30 का आधा 7.5 होता है चौथा भाग। तो उसके में निशान लगा लिया है 1 इंच डार्ट के लिए। तो इन निशान को मिला लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से। अब इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो दोनों साइड हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो 2 इंच भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। अब निशान को नीचे तक मिला लेंगे। तो देख सकते हैं, नीचे तक मिला लिया दोनों निशान को। ये हमारा फिटिंग वाला और ये मार्जिन दोनों निशान हो गए। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच बाहर की साइड, बैक साइड के लिए और 1 इंच फ्रंट की साइड के लिए आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो देख सकते हैं, इस तरह से हम ये पहले बैक वाला निशान लगाएंगे और फिर हम फ्रंट वाला लगा लेंगे अंदर की साइड 1 इंच गोले वाला। तो ये दोनों आर्म होल रेडी हो जाएंगे आपके साथ में। अब हम इसके बेल्ट की मार्किंग करेंगे। इससे पहले हम इसके चेस्ट का छठा पार्ट निकालना है आपको कटोरी के लिए। तो चेस्ट का 36 का छठा भाग निकालेंगे तो 6 आएगा हमारा। जो भी आपकी चेस्ट हो उसमें आपको 6 का भाग लगा देना है तो आपका आ जाएगा। तो हमारी कटोरी का नाप 6 इंच पे आया है तो हम ये 6 इंच पर निशान लगा देंगे। गले की साइड से आपको 5 इंच पर लगाना है। ये देख सकते हैं, इससे हमने 5 इंच पर निशान लगा लिया है। और आर्म होल की साइड से आपको 2.5 इंच पर लगाना है। अब इन सारे निशान्स को अच्छे से गोलाई करते हुए मिला लेना है नीचे तक, डॉट डॉट लगाते हुए। तो देख सकते हैं, इस तरह से हमने ये नीचे तक मिला लिया है। तो ये इस तरह से आपकी कटोरी रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं, हमने निशान लगा लिया है 6 इंच पर। अब बेल्ट के लिए हम 3.5 पर निशान लगाएंगे। पहले एक निशान 3.5 पर लगाना है आपको और इधर की साइड निशान आपको 2.5 इंच पर लगाना है, बैक साइड की साइड। और एक निशान इधर 2.5 इंच पर लगाना है। और पहले 2.5 वाले निशान को आपको सीधा कर लेना है। देख सकते हैं, सीधा कर लिया है। अब आपको फिटिंग तक इंच को लेना है। अब इसका हाफ करना है आपको। तो देख सकते हैं, इसका हाफ इस तरह से कर लेना है आपको, इंच टेप को आप फोल्ड करते हुए। और जहाँ 5 इंच फोल्ड हो वहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब जो 3.5 का निशान है वहाँ से इसको हल्की गोली देते हुए निशान लगा लेना है आपको। ये देख सकते हैं इस तरह से। तो आपका बेल्ट एकदम फिटिंग बैठेगा और अच्छे से फिनिशिंग आएगी आपके बेल्ट के अंदर। तो देख सकते हैं, इस तरह से आपको बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। अब देख सकते हैं, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। उससे पहले आपको मैं सारा मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। नीचे की साइड हमने 1.75 एक्स्ट्रा लिया था लंबाई के साथ। और
गले के लिए हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था, लंबाई इसकी 6 इंच ली थी हमने, आर्म होल के लिए भी हमने 6 इंच पर निशान लगाया है और इसमें 1 इंच की गहराई दी हमने। और यहाँ से कटोरी के लिए हमने 5 इंच पर आर्म होल की साइड से 2.5 इंच और ये चेस्ट का छट्टा पार्ट निकाल कर हमने कटोरी का शेप दिया था इस तरह से। और बेल्ट के लिए हमने 3.5 इंच पर मार्क किया था और नीचे से 2.5 इंच पर और एक लाइन खींची थी। तो इस तरह से हमारा ये फरमा रेडी हो चुका था। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब जो निशान लगाए हमने उन्हीं के ऊपर आपको कटिंग करनी है। तो देख सकते हैं जो हमने मार्जिन का निशान लगाया है, इस तरह से हमने ये बेल्ट की कटिंग कर ली है। इस तरह से हम इसके साइड पीस की कटिंग भी कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने ये साइड पीस और गले की कटिंग भी कर ली है। अभी कटोरी को अलग कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमारी ये इसकी फरमे की कटोरी ब्लाउज के फरमे की कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारा साइड पीस हो चुका है और ये कटोरी और नीचे की साइड बेल्ट आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमारे ये पार्ट्स कट चुके हैं। अब हम कटोरी को बड़ा करेंगे। कटोरी को बड़ा करने के लिए हम इसकी चारों तरफ मार्किंग कर लेंगे स्केच से। तो जो भी कटोरी ले उसको चारों तरफ से मार्किंग कर लेना अच्छे से, ताकि आपको बढ़ाने में आसानी हो। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने चारों तरफ इसके मार्किंग कर ली है। अब गले की साइड से आपको 1/4 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम 1/4 इंच पर निशान लगा देंगे। 1.25 पर आपको निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगा देंगे हम और ऊपर से भी हल्का सा ज़्यादा लेते हुए हम एक लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन खींचना है आपको। इधर भी हमको 1/4 इंच पर निशान लगाना है। दोनों साइड से आपको 1/4 1/4 पर निशान लगाना है और ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो कि सिले के अंदर दबेगा हमारा। तो इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए नीचे तक जो हमने 1/4 1/4 पर निशान लगाया है इसको नीचे तक मिला देंगे हम और इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे। अब इसको जो भी हम निशान लगाया है इनको पूरा नाप लेंगे और इसका हाफ पार्ट निकालेंगे। तो जो भी हम नापा है इसको हम हाफ कर लेंगे इंच टेप को इस तरह से पकड़ते हुए। तो हमारा बीच पार्ट आ गया है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे सेंटर के अंदर। अब यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की साइड और इसको इस तरह तिरछा मिला लेंगे इस लाइन से, और इधर से भी इसको तिरछा मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कटोरी का ड्राफ्टिंग रेडी हो जाएगा। आप यहाँ जाए तो 2.5 इंच पर या 2 इंच पर लेंथ लेकर टक्स की मार्किंग कर सकते हैं। तो दोनों साइड से हम 1 1 इंच का डार्ट लेंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से, और ऊपर तक मिला देंगे इसको। तो हमारे कटोरी का डार्ट रेडी हो जाएगा। अब इसके हम कर लेंगे जो निशान लगाए उसी पर आपको कटिंग करनी है। तो इस तरह से आप कटोरी की अच्छे से कटिंग कर सकते हैं और ये बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से आप इसको फोल्ड करेंगे तो अच्छा सा शेप बनकर आ जाएगा, तब के अच्छे से कटोरी सेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये साइड पीस हो जाएगा और ये कटोरी भी हमने बड़ी कर ली है और नीचे से एक बेल्ट। इस तरह से आप घर पर फरमा आसानी से रेडी कर सकते हैं। अब इसी से हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। बैक पार्ट के लिए आपको सिर्फ लंबाई के अंदर 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर हमारी लंबाई 13 थी तो हमने 1 इंच प्लस कर लिया है, तो हमारी 14 इंच हो गई है। तो दोनों साइड से हम 14 14 पर मार्क कर लेंगे और लाइन खींच लेंगे सीधी ऊपर से। गले के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और शोल्डर के लिए 3 इंच पर, तो ये हमारा 5.5 इंच हो जाएगा। और आर्म होल की लंबाई भी हम 6 इंच लेंगे और गले की साइड से भी 5.5 पर निशान लगा लेंगे और आर्म होल की लाइन खींच लेंगे हम इस तरह से। इस तरह से हम आर्म होल का बॉक्स रेडी कर लेंगे लाइन लंबी खींचते हुए। अब हम यहाँ से गले के लिए मार्क करेंगे। गला हमारा 8 इंच पर है, बैक गला, तो हम 8 इंच पर मार्क कर देंगे। चौड़ाई इसके नीचे से हम 3 इंच लेंगे, तो इस तरह 3 इंच निशान लगा लेंगे और ऊपर से इसको मिला लेंगे। इस तरह से आपको मिला लेना है। अब इसके अंदर हम हल्के हल्के हाथ से गोले दे देंगे। तो ये हमारा गोल गला हो जाएगा।
अब इसके बैक आर्महोल के लिए हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और चेस्ट के लिए चेस्ट का चौथा पार्ट करेंगे जो कि 9 इंच आएगा 36 का, और उसमें नीचे हम कमर के लिए 7.5 पर और 1 इंच टक्स मार्जिन ऐड कर देंगे, और 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो इस तरह से हम निशान लगा देंगे सारे, ये हमारा फिटिंग वाला और ये हमारा मार्जिन का निशान हो जाएगा। अब इसके अंदर आर्मोल की गोली दे देंगे हम जो कि हमें 1.5 इंच पर निशान लगाया था। तो इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो जाएगा। डार्ट के लिए हम 4.5 पर मार्क करेंगे गले की साइड से, और लेंथ भी इसकी हम 4.5 रख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये डार्ट का निशान भी हो जाएगा, और 1/2 इंच का हम दोनों साइड से निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हम डार्ट रेडी कर सकते हैं। अब इसके हम कटिंग कर लेंगे, जो मार्जिन लिया है उसी के ऊपर हमको कटिंग करनी है। तो इस तरह से आपके ये फरमे रेडी हो जाएंगे। अगर आप इसको एक बार बना कर रख लेंगे तो बस आपको इन्हीं के रख कर आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी हम आपके लिए लाएंगे अलग अलग नाप के कटोरी ब्लाउज के वीडियोस। तो देख सकते हैं हमारा ये बैक पार्ट और ये साइड पीस और ये कटोरी और ये बेल्ट, इस तरह से ये पूरा सेट रेडी हो चुका है। अगर आपको और भी सीखना है तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए अलग अलग नाप के फरमे भी रेडी करेंगे। और तो बताइएगा ज़रूर, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कपड़े पर रखकर कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। तो देखिएगा ज़रूर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।